और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर के शराब कारोबारी संजीव कनवाल इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। दरअसल अभी 3 दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंची थी। सीएम के कार्यक्रम के दौरान संजीव कनवाल उनसे एयरपोर्ट पर भी मिले थे और माता शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी पर भी मिले, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुछ फोटो को वायरल किया जा रहा है, जिसमें सीएम के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। और इसके अलावा उन फोटो के साथ ही कैप्शन दिया जा रहा था कि यहाँ पर सीएम की सुरक्षा में चूक और एयरपोर्ट पर भी माता शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी में बिना पास के पहुंचा शराब माफिया, इस तरह का कैप्शन लिखा हुआ है। इस तरह की यहाँ पर खबरें पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर शराब कारोबारी संजीव कनवाल ने यहाँ पर मीडिया के जरिए अपनी सफाई पेश करते हुए बताया, कुछ लोग साजिश के तहत उनको शराब माफिया कहकर सोशल मीडिया पर उनके बारे में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, जबकि शराब कारोबार उनका पुश्तैनी कारोबार रहा है। उनके पास जितने भी यहाँ पर शराब के ठेके हैं वो सब सरकारी हैं। संजीव का यहाँ पर कहना है कि 2017 से पहले यूपी में शराब का सिंडिकेट था और वो सिंडिकेट जब खत्म हुआ तो सिंडिकेट के लोगों ने यहाँ पर उन पर कई झूठे मुकदमे भी लगा दिए थे, जो कि अभी न्यायालय में यहाँ पर विचाराधीन है। और ऐसे में उन्हें कुछ लोग शराब माफिया कहकर उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। संजीव कनवाल ने बताया, 2022 के चुनाव से पहले ही वह कांग्रेस में थी और बाद में उन्होंने कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी के साथ दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की यहाँ पर घोषणा की और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव नज़दीक हैं और पहले भी यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में उनके कुछ राजनीतिक विरोधी इस तरह की हथकंडे अपनाकर मीडिया को भी यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर जनता को गुमराह करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर छवि को भी धूमिल करने का काम किया जा रहा है। रचा जा रहा है, इससे छवि धूमिल हो, सारे धार्मिक कामों में, सारी सभी रामलीला में मैं जुड़ा रहता हूँ, लोगों की सेवा भी करता हूँ। आप अगर बात करें, कोविड में मैंने लोगों की इतनी मदद की है, जो मेरी अपनी कैपेसिटी थी, जो मेरे पे अंदर भगवान ने मुझे शक्ति दी थी कि मैं गरीबों की मदद करूँ, मैंने उसमें भी प्रोग्राम अपने घर से राशन के वितरण भी किया। हर तरह से मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, धार्मिक काम हो चाहे राजनीतिक काम हो, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। सिर्फ वो छवि धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगा। कुछ लोग मीडिया की छवि तो धूमिल कर ही रहे हैं, वो मेरी छवि को भी बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि नगर पंचायत का इलेक्शन हम लड़ते हैं और एक बढ़िया एक ऊँची दावेदारी हमारी है, तैयारी पूरी 5 साल की है, जो हम लोगों की मदद की, लोगों में लोकप्रिय भी है हम जहाँ तक हमारा ज़्यादा, तो उसको धूमिल करने के लिए ये सब क्या जा रहा है? मीडियाकर्मी को गुमराह करना है, मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को भी गुमराह करना चाह रहे हैं कि हमारी छवि बिगाड़ के हमारी छवि को बदलना चाहते हैं। पता है कि इस बार हम इलेक्शन जीतेंगे, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, निश्चित रूप से इलेक्शन नगर पंचायत का जीतेंगे हम। और ये सिर्फ यही है कि मीडिया को गुमराह कर दे, पब्लिक को गुमराह कर दे। सारे पत्रकार भी बहुत अच्छे पत्रकार मेरे संबंध में सबसे अच्छे आते हैं, ऐड भी जाते हैं हमारे, सामाजिक कार्य मेरा चलता भी है, मीडिया पर भी चलता है, पेपर्स में भी आता है। 2012